ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मिड टर्म की सॉल्व एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको एसटीए 301 के मिड टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन एक ऐसा है जो कि इंक्लूड नहीं है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, वो है क्वार्टाइल डेविएशन, बाकी तीनों मीन्स हैं। उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है जो कि बेस नहीं करता तमाम ऑब्जर्वेशन के ऊपर, वो है मोड, बाकी तीनों मीन है। उसके बाद ये कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ये जो आपको 7 दिए गए हैं नंबर्स, सो ये सेम नंबर्स हैं, सो ये जो है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 0 है। और टेन का जो फैक्टोरियल है इसको आप खुद भी कैलकुलेट करके चेक कीजिएगा, वो है 3628800। उसके बाद ये कि अगर एक प्लेयर जो है अच्छी तरह शफल करता है पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, तो जो प्रोबेबिलिटी है ब्लैक कार्ड की 52 प्लेइंग कार्ड्स में से, वो है 26/52। उसके बाद ये कि कौन सा डिस्पर्जन जो है यूज़ किया जाता है कंपेयर करने के लिए वेरिएशन दो सीरीज़ का, वो है CV। और उसके बाद ये कि जब दो कॉइंस को टॉस किया जाता है, सो जो प्रोबेबिलिटी होती है एटलीस्ट एक हेड आने की, वो क्या है 3/4। उसके बाद ये मॉडल जो है y=mx+a, सो वाई जो है इज ऑल्सो नॉन एज जाना जाता है इनमें से किसके तौर पर भी, वो है प्रिडिक्टेड वेरिएबल। उसके बाद ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है जो कि है क्लास फ्रीक्वेंसी, वो है द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच क्लास। उसके बाद ये कि अगर आप कनेक्ट करते हैं मिड पॉइंट्स रेक्टेंगल के एक हिस्टोग्राम में सीरीज ऑफ लाइन से, सो जो कि टच भी करता है एक्स एक्सिस को बोथ एंड से, सो आप क्या हासिल करेंगे फ्रीक्वेंसी कर्व। उसके बाद ये कि अगर मीन जो है दो ऑब्जर्वेशन का, वो है 10.5, सो जो मीडियन है इन दो ऑब्जर्वेशन का, वो क्या होगा 10.5। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो इंक्लूडेड नहीं है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्वार्टाइल डेविएशन, ये दोबारा रिपीट हुआ है। उसके बाद ये कि गिवन डेटा के लिए 2370-8 GM जो होगा ज्योमेट्रिक मीन, वो क्या होगा 0। उसके बाद ये विच वन इज इक्वल टू, इनमें से कौन सा जो है वो इक्वल है टू एक्सप्लेन वेरिएशन डिवाइडेड बाई टोटल वेरिएशन, सो वो है कॉफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेंट। उसके बाद ये जो गिवन सीरीज आपको दिखाई जा रही नंबर्स की, मोड जो है इसमें क्या है, मोड इज द मोस्ट, सो वो है 2। और उसके बाद ये कि ट्रू फॉर द पॉपुलेशन, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो पॉपुलेशन के बारे में है, वो है इट इज कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स ऑफ और मेजरमेंट, यानी ये कलेक्शन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स या मेजरमेंट का। उसके बाद ये कि जो डेटा अरेंजमेंट है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो है क्या, इनमें से एवरे डेटा। उसके बाद ये कि विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सो वो है एवरेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद ये कि अगर ए जो है 4 के इक्वल है, बी जो है 2 के इक्वल है, एस्टिमेटेड लाइन जैसे कि y=a+bx, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू 3 है, सो जो वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है 10। उसके बाद ये कि नंबर ऑफ वेज जिसके अंदर 4 बुक्स को अरेंज किया जा सकता है, वो क्या है 24। और उसके बाद ये कि साइमल्टेनियस अकरेंस होना दो इवेंट्स की, वो कहलाता है इनमें से क्या, जॉइंट प्रोबेबिलिटी। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो मेजर ऑफ डिस्पर्जन नहीं है, वो है 50 परसेंटाइल। उसके बाद ये कि एक पॉजिटिवली स्क्यू कर्व के अंदर कौन सा रिलेशन है, वो है मीन जो है ग्रेटर देन मीडियन है। उसके बाद ये कि अगर जब मीन जो है वो है 25 और स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, सो CV जो है वो इनमें से क्या है, वो है 20%। उसके बाद ये कि पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन M3, वो क्या होगा इनमें से पॉजिटिव। उसके बाद ये कि कौन सी ब्रांच स्टैटिस्टिक्स की डील करती है टेक्निक के साथ जो कि यूज़ होती है ऑर्गेनाइज करने के लिए, समराइज करने के लिए डेटा, वो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद ये कि एग्जाम्पल जो है 800 स्टूडेंट्स का यूनिवर्सिटी में 160 और 20% जो है वो बिजनेस मेजर हैं, और जो कि बेस करता है, सो बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन के बेस के ऊपर स्कूल पेपर रिपोर्ट किया कि 20% जो है तमाम स्टूडेंट 20% जो है ऑफ ऑल द स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के जो है वो हैं बिजनेस मेजर्स के। सो ये रिपोर्ट एग्जाम्पल है इनमें से किसकी, वो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद ये कि एक सेट जिसके अंदर तमाम पॉसिबल आउटकम होते हैं एक सिस्टम के वे जाना जाते हैं, इनमें से किसके तौर पर, यूनिवर्सल सेट के तौर पर। उसके बाद ये कि जो डेटा है पॉपुलेशन सेंसिस रिपोर्ट में, वो है क्या, अनग्रुप डेटा। उसके बाद ये कि एल्जेब्रिक सम जो है डेविएशन का फ्रॉम मीन्स, वो है 0। उसके बाद ये कि जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, वो है मैक्सिमम। उसके बाद ये कि स्टैटिस्टिक जो है वो एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी है जो कि कैलकुलेट किया जाता है किससे, सैंपल से। उसके बाद ये कि एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डैश जो है वो इक्विडिस्टेंस से मीडियन से, वो है Q1 एंड Q3। उसके बाद ये कि अगर मीन जो है वो है 25 और स्टैंडर्ड डेविएशन 5, सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है 20%। उसके बाद ये कि जब हम क्या हम कंसिडर करते हैं सिंपल कोरिलेशन एनालिसिस में, वो है स्ट्रेंथ ऑफ द एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स।
उसके बाद ये जो अप्रोक्सीमेट नंबर है ऑब्जर्वेशन का, एक सेट ऑफ डेटा में जिसको कवर किया इंटरवल से, सो मीडियन क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो क्या है, वो है 50%। उसके बाद ये कि जो डिस्पर्जन जो कि कैलकुलेट होती है तमाम ऑब्जर्व वैल्यू से, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद ये कि एक सेट के अंदर 20 वैल्यूज के तमाम वैल्यूज जो है वो 2 हैं, और सो क्या वैल्यू होगी ज्योमेट्रिक मीन की, वो है 2। उसके बाद ये कि एक सेट जो 10 वैल्यूज का तमाम वैल्यू जो है वो 5 हैं, सो क्या वैल्यू होगी फिफ्थ डिसाइल की, वो है 5। स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम डील करते हैं इनमें से किसके साथ, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स के साथ। उसके बाद इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है डेटा की, यानी कि सिस्टमेटिकली तौर पर डेटा को अरेंज किया जा रहा है रोज के अंदर और कॉलम्स के अंदर, वो है टेबुलेशन। उसके बाद ये कि फॉर एनी नंबर के डैश वन और एटलीस्ट 1 बाय k2 ऑफ द डेटा वैल्यूज फॉल विद इन दी के स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन, सो इसके जवाब है ग्रेटर देन 1। उसके बाद ये कि जब ई जो एक इम्पॉसिबल इवेंट है, सो जो पीई है वो क्या है इनमें से, 0। उसके बाद ये कि जो डेटा है और जाइव के लिए वो पाया जाता है इनमें से कौन से डिस्ट्रीब्यूशन में, वो है अकम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद ये कि अगर फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल जो है वो है 21.16 और 56.36 रिस्पेक्टिवली, सो जो क्वार्टाइल डेविएशन है वो क्या है 17.1। उसके बाद ये कि जो हाइट है स्टूडेंट की वो है 16 इंच, ये एग्जाम्पल है इनमें से किसकी, डिस्क्रीट डेटा की। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रूली तौर पर सैंपल के हवाले से, वो ये कि ये पार्ट है पॉपुलेशन का। उसके बाद ये कि फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन हमेशा इक्वल होती है इनमें से किसके, वो है मीन। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा जो है मेजरमेंट उस वो जो डिवाइड नहीं करती एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल पार्ट्स में, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद ये कि अगर फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल वो है 21.16 और 56.36 रिस्पेक्टिवली, सो जो क्वार्टाइल डेविएशन है वो क्या है 17.1। उसके बाद ये कि हाइट ऑफ स्टूडेंट 16 इंच है, ये एग्जाम्पल है इनमें से किसकी, डिस्क्रीट डेटा की। उसके बाद ये कि अगर तमाम वैल्यूज फॉल करती हैं सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर और लाइन का पॉजिटिव स्लोप है, देन वैल्यू क्या हो गई कोरिलेशन कोफिशिएंट आर की, वो है आर इज इक्वल्स टू +1। उसके बाद ये कि अगर एक कर्व की होती है लॉन्ग टेल राइट की तरफ, वो कहलाता है क्या पॉजिटिवली स्क्यूड। और उसके बाद ये कि जो प्रोबेबिलिटी होती है ड्रॉ करने की एक जैक कार्ड 52 प्लेइंग कार्ड से, वो क्या है 4/52। तो ये थी आज की वीडियो, आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खास तो पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे जरूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।